सब्सक्राइब कीजिए गौकर्स किचन चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट रेसिपी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौकर्स किचन। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बनाएंगे व्रत के लिए एक स्वीट रेसिपी, मखाने की खीर। ये बहुत ही सिंपल और टेस्टी रेसिपी है, तो चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता है। मखाने की खीर बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप मखाने, 1/2 लीटर दूध, 4 बड़े चम्मच चीनी, 1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर, 1 बड़ा चम्मच घी, चिरौंजी, किशमिश और ये कुछ बारीक कटे ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, काजू, पिस्ता और बादाम। खीर बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे। पैन में 1 छोटा चम्मच घी डालेंगे। घी मेल्ट हो जाने के बाद इसमें मखाने डालेंगे और इन्हें 2-3 मिनट मीडियम आंच पर भूनेंगे। मखाने भूनने के बाद सेम बाउल में निकालेंगे। इसके बाद 1/2 छोटा चम्मच घी डालकर इसमें बारीक कटे ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और इन्हें 1-2 मिनट मीडियम आंच पर भूनेंगे। अब ड्राई फ्रूट भूनने के बाद गैस बंद करके इन्हें भी सेम प्लेट में निकाल देंगे। इसके बाद एक भारी तले कढ़ाई में दूध मीडियम आंच पर गर्म करने के लिए रख देंगे। यहाँ मैंने फुल फैट मिल्क यूज़ किया है। जब तक दूध में उबाल आता है तब तक हम मखाने मिक्सी में दरदरा पीस लेंगे। इसमें से हम 1/3 मखाने मिक्सी में पीसेंगे और सेम बाउल में निकालेंगे। देखिए दूध में उबाल आ रहा है। अभी हम गैस की आंच धीमी कर देंगे ताकि दूध ऊपर आकर कढ़ाई से गिर ना जाए। इसके बाद दरदरा पीसे हुए मखाने डालेंगे और इसे बीच बीच में चलाते हुए 5 मिनट कम आंच पर पकाएंगे। 5 मिनट बाद इसमें चीनी, किशमिश, चिरौंजी डालेंगे, इलायची पाउडर, फ्राई किए ड्राई फ्रूट्स भी डालेंगे। इन सबको और 5 मिनट कम आंच पर पकाएंगे, तब तक चीनी भी अच्छे से घुल जाएगी। देखिए दूध गाढ़ा हो गया है। अब ये खीर तैयार है। हम गैस बंद करेंगे और कढ़ाई के किनारे जमी मलाई निकालकर दूध में मिलाएंगे। आप चाहे तो इसमें केसर और कद्दूकस या नारियल भी डाल सकते हैं। अब ये खीर हम एक बाउल में निकालेंगे। इसे ठंडे हो जाने पर ड्राई फ्रूट्स डालकर सर्व करें। आप ये टेस्टी मखाने की खीर इस नवरात्रि पर ज़रूर बनाकर देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।